नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एचएसएस पट्टन में मधुमेह जागरूकता शिविर आयोजित। बारामूला स्वास्थ्य विभाग बारामूला ने आज शासकीय एचएसएस पट्टन में मधुमेह सांप्रदायिक एवं असांप्रदायिक रोगों पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। पहुंचने वाली रिपोर्टों में कहा गया है कि जागरूकता शिविर में छात्रों के साथ साथ लोगों ने भी भाग लिया, जहां उन्हें उक्त बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी मिली। इस दौरान सीएमओ बारामूला, एसडीएम पट्टन, एसडीपीओ पट्टन, सीईओ पट्टन, बीएमओ पट्टन सहित अन्य अधिकारी इस कैंप में मौजूद रहे। सीएमओ बारामूला मीरन द्रामबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे और विभाग इन्हें हर गांव में आयोजित करने का प्रयास करेगा। बारामूला संवाददाता जमीर अहमद की रिपोर्ट। प्रोग्राम हमारे बीएमओ साहिबा यहां पे डॉक्टर मस्तूरा जी, बीएमओ पट्टन, उसने एक प्रोग्राम यहां पे ऑर्गेनाइज किया है, अनकम्युनिकेबल डिजीज, सॉरी, जो वो बीमारियाँ होती है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं लगती हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी साबित हो सकती है अगर लग गई तो। मिसाल के तौर पर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो हमने उसके बारे में हमें यहाँ पे उनको पूरी जानकारी दी और साथ साथ में हमने इनको जो कोविड-19 इस वक्त चल रहा है पैंडेमिक, उसके बारे में हमने इनको जानकारी दी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से लागू करें, एसओपीज़ जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है उनको लागू करें, और उसके साथ साथ में जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जिसमें वैक्सीनेशन का आता है, वैक्सीनेशन वो पूरी तरह से कर लें, उसमें एक ही डोज नहीं चलता है, सेकंड डोज भी कर ले, जब सेकंड डोज कर लेंगे तो दैट मीन्स दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। तो उसमें मेरी ये गुजारिश है लोगों से, जिसने भी फर्स्ट डोज किया है तो अपना जो ड्यू टाइम है उसको उस वक्त उस डेट पे आ जाए और अपना दूसरा डोज भी ले ले, ताकि वो कम्प्लीटली सेफ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन पे हमने एक NCD कम स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला इन कोलैबोरेशन विद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन, और जिसमें हमने ताउन किया है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आज यहाँ यही था कि जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो ज़्यादा बढ़ रही है पूरी वैली में, पूरे इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि इंडिया में 58 लाख लोग जो है वो एनुअली मर जाते हैं NCD की वजह से, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए कि 71% जो डेथ रेट है वो NCD की वजह से है। तो उस लिहाज से हमने यहाँ पर जो हमारे जो डॉक्टर अर्शद साहब है, कंसल्टेंट मेडिसिन जो है, उन्होंने हमें सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त किया है, और ये प्रोग्राम जो हमने यहाँ पर इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका मेन मकसद यह है कि